फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो हे गाइस, कैसे आप सब? स्वागत है फिर से आप सभी को क्लैश ऑफ क्लैंस के एक और ब्रांड एपिसोड में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे न्यू अपडेट फीचर्स डिटेल्स एंड गाइस, कौन सी अपडेट आने के बाद कौन सी टाउन के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है एंड गाइस, कौन सी टाउन के लिए ज़्यादा घाटा हो सकता है उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे न्यू हीरोज लेवल की। तो गाइस, अभी तक तो ये स्नीक पीक क्लैश ऑफ क्लैंस में ऐड नहीं है। सो गाइस, इस वीडियो में कवर करूंगा जो स्नीक पीक आ चुका है उसका भी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। आई एम श्योर गाइस, आप सभी ने मतलब स्नीक पीक के बारे में पता चल चुका होगा एंड कौन सी चीज़ें हमको न्यू मतलब अपडेट में देखने को मिल सकता है, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हालांकि अड्डा, सुमित एंड गैलाडोन्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर बना दिया। बट गाइस, आपको मैं पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें हमको ज़्यादा फायदा हो सकता है एंड गाइस, कौन सी चीज़ें हमको घाटा ले सकते हैं अपडेट के बाद, ठीक है। हालांकि गाइस, कोई बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ पे रियलिटी बात करेंगे। गाइस, टाउनल 13 के लिए ज़्यादा फोकस किया गया एंड टाउनल 13 के लिए ज़्यादा ध्यान दिया गया इस अपडेट में, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पे। तो गाइस, मुझे उम्मीद है और भी लावा टाउनल, जो टाउनल 8, 7, 6, 5, 4 और टाउनल 9, 10, 11 के लिए भी मतलब फोकस करना चाहिए था, पर गाइस यहाँ पे ज़्यादा टाउनल 13 यानी हाई टाउनल के लिए ज़्यादा फोकस किया गया। सो गाइस, मुझे उम्मीद है नेक्स्ट अपडेट और भी कोई भी आ जाता है, गाइस नीचे का जो लॉ टाउनल है उसके भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो इस मुझे नहीं पता, बट मैं जो रियलिटी था उसी की ओर बात किया। सो गाइस, अगर ये जो मेरा ये जो मतलब वॉइस है ना किसी के मतलब अगेंस्ट जाता है तो प्लीज़ गाइस सॉरी बोलना चाहूँगा, बट गाइस जो मुझे लगा था वही बता दिया मैंने। सो गाइस, अभी हम सीधे बढ़ेंगे न्यू अपडेट के फीचर्स एंड कौन सी चीज़ें हमको फायदा वाला है एंड गाइस, कौन सी चीज़ें हमको गेम में बेकार सी है, ठीक है। तो गाइस, उसके बाद मैं अपना खुद का ओपिनियन आप लोगों के साथ रखूँगा एंड गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप सभी वीडियो पसंद करोगे। सो गाइस, लास्ट में बताऊँगा कि ग्रैंड वार्डन एंड रॉयल चैंपियन का जो न्यू लेवल आ रहा था वो आएगा कि नहीं, वो भी आपको कन्फर्म कर देता हूँ। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी जरूर वीडियो पसंद आएगा। सो गाइस, इस वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक गाइस भुजेल पावर को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन टॉस कर दें, क्योंकि आने वाले दिन में गाइस आप सबके ऐसे अमेजिंग क्लैश ऑफ क्लैंस के कंटेंट कंसेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से मिलती रहेगी। सो गाइस, अभी हम सीधे बढ़ गए वीडियो में, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, मैंने अभी भी आपको कंफर्मेशन के लिए बोला जो कि रॉयल चैंपियन एंड ये जो ग्रैंड वार्डन के न्यू लेवल बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था जो बिल्डर बेस की अपडेट, न्यू सीनरी एंड न्यू हील स्किन एंड जो मतलब यहाँ पे ये भी हाइप हुआ था कि गाइस ट्रूप्स का भी स्किन आया। तो गाइस, इसका भी बाद में कंफर्म कर देता हूँ एंड गाइस, इसके बारे में और भी हम इंप्रूव करेंगे एंड सॉरी इसके ऊपर और भी मतलब डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इससे पहले आपसे जो स्निक पीक आज उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि हमको कौन सी चीज़ें प्रॉफिटेबल एंड कौन सी चीज़ें हमको गेम में मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं एंड कौन सी चीज़ें हमको बेकार हो सकता है मतलब अपडेट के बाद, तो गाइस इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे लिस्ट करिए मैंने मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमको न्यू अपडेट के बाद देखने को मिल सके, जो कि स्निक पीक अकॉर्डिंग टू। तो गाइस, हालांकि आप जाके सारे के सारे डिटेल्स भी पढ़ सकते हो, बट गाइस मैं वीडियो में बताऊंगा तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। तो गाइस, अभी हम सीधे बढ़ेंगे टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, लेट इट स्टार्ट द टॉपिक। तो गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ हमको इलेक्ट्रो ड्रैगन की जो फर्स्ट टारगेट है उसके ऊपर मतलब जो चेंज है उसका टारगेट चेंज हुआ करता था, जो कि अगर कोई भी ऑब्स्टिकल कोई भी मतलब बीच में टेस्ला फार्म यानी सीसी ट्रूप्स निकल के बाहर आता था, तो गाइस ये जो इलेक्ट्रो ड्रैगन की जो फर्स्ट टारगेट है वो चेंज होकर टेस्ला की तरफ जाता था। तो गाइस, ये चेंज किया तो गाइस बहुत ही प्रॉफिटेबल अपडेट है एंड गाइस ये होना भी चाहिए, क्योंकि गाइस इलेक्ट्रो ड्रैगन अगर मतलब एक साइड टारगेट करके दूसरे साइड चले जाते बाद में, तो गाइस बहुत ही दिक्कत वाली हो सकता था एंड हुआ भी था काफ़ी टाइम मेरे साथ। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस अभी हम सीधे बढ़ेंगे वॉल ब्रेकर के फीचर्स के बारे में। तो गाइस, वॉल ब्रेकर के फीचर्स आपको मतलब डिटेल्स अभी मैं प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन में मैंने स्क्रीनशॉट करी थी बट डिलीट हो चुका है। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो गाइस मतलब इन्फो में जाके पढ़ सकते हो। वॉल ब्रेकर मतलब जंपिंग करने के लिए उसको जंप स्पीड जरूरत होता है, मतलब ये जो अपडेट के बाद वॉल ब्रेकर को मतलब वॉल क्रॉस करने के लिए जंपिंग स्पीड की हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। तो गाइस, अभी हम नंबर 3 में बात करेंगे सीज बैरक्स के ऊपर। तो गाइस, सीज बैरक्स जो है उसके मतलब सीज बैरक्स मैक्स लेवल 4 से 12 हुजार्ट निकल के बाहर आ रहा था गाइस, बट ये जो अपडेट के बाद हमको मतलब 11 हुजार्ट ही देखने को मिल सकता है। सो गाइस, ये जो अपडेट के बाद एंड ये जो चेंजेस के बाद मुझे नहीं पता मतलब थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट एंड बैलेंस चेंजेस किया है। सो गाइस, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या दिक्कतें हो रहा था गेम में, बट गाइस हो सकता है कोई भी मतलब दिक्कतें हुआ था किसी के प्लेयर के साथ एंड किसी ने मतलब इसके ऊपर क्लेम करी थी, तो गाइस इसके चलते यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैंस ने सीज बैरक्स के साथ मतलब 11 हुजार्ट कर दी। सो गाइस, मुझे उम्मीद है ये अपडेट बहुत ही फोकस कर देगा मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट में। तो गाइस, अभी हम बात करेंगे स्केलेटन स्पेल के बारे में। जैसे गाइस, स्केलेटन स्पेल जैसे आप डिप्लॉय करके गाइस बेस के अंदर, तो गाइस जो स्केलेटन प्रोड्यूस होता है उसके साथ और भी मतलब स्पॉन नहीं होता स्केलेटी। तो गाइस, ये मतलब जब आप मतलब स्केलेटन स्पेल ड्रॉप करोगे तो गाइस उसके बाद जो स्केलेटन होता है वो भी और भी स्केलेटन प्रोड्यूस करेगा।
तो गैस अभी थोड़ा सा बैड नीचे जो कि टनल 10 लेवल के, तो गैस अगर आप लोग टनल 10 लेवल में है तो गैस प्लीज मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन की गैस आप लोग का जो स्ट्रेटेजी कौन सी यूज कर रहा था आप लोग अभी तक। तो गैस ये पे ड्रैग बैड जो सॉरी जो जैप आर्मी यूज होता है हो रहा था टनल 10 के ऊपर, तो गैस ये थोड़ा सा नॉर्फ हो सकता है क्योंकि ऐसे जो टनल 10 की जो मतलब एयर डिफेंस है उसका जो डैमेज पर सॉरी उसका जो हिट पॉइंट है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे मुझे नहीं पता इसके ऊपर क्या चेंज हो सकता है, बट वैसे लाइटिंग स्पेल जो भी यूज़ कर रहा था उसके ऊपर थोड़ा सा दिक्कतें आ सकता है। सो गाइस अभी हम सीधे बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। इवन यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैंस मतलब ऑफिशियल ने खुद यहाँ पे क्लेरिफाई कर चुका है कि ये जो अपडेट है टनल 13 के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो वैसे पे टनल 13 के लिए मतलब बात करेंगे तो ये जो वॉल्स है वॉल्स का भी 100 वॉल्स और भी मैक्स हो पाएंगे एंड आर्चर टावर एंड हिडन टेस्ला एंड आर्मी कैंप का न्यू लेवल आ रहा है, ठीक है। तो वैसे अगर हम ट्रूप्स की बात करें वैसे पे जाइंट विजर्ड एंड पिक का भी न्यू लेवल आ रहा है। तो वैसे इसका सारे डिटेल्स है डैमेज पर सेकेंड एंड गैस इसका जो टाइमिंग ड्यूरेशन सब कुछ आप मतलब इन्फो में जाकर चेक कर सकते हैं। टनल हर टनल के लिए थोड़ा सा इंप्रूव किया है क्लैश ऑफ क्लैंस। तो वैसे पे अगर हम बात करें जो गाइस यहाँ पे हीरोज है हीरोज ऑटोमेटिकली रिजेनरेट हो जाएगा मतलब ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा अगर आपके बेस के ऊपर कोई भी डिफेंडिंग मतलब कोई भी अटैक्स आ जाता है तो गाइस डिफेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वैसे जो अपडेट है बहुत ही अच्छा अपडेट है क्योंकि गाइस हर टनल के लिए मतलब प्रोवाइड किया। तो वैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सुपर लैबोरेटरी के ऊपर तो गाइस जो क्लैश ऑफ क्लैंस सुपर लैबोरेटरी का जो कूलडाउन है टाइमिंग 7 दिन का वो भी हटा दिया जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वैसे पे फ्रेंडली वॉर्स का भी जो टाइमिंग है उसको चेंज कर दिया। तो गाइस अगर आपको सारी डिटेल्स पढ़ना है तो गाइस आप इन्फो में जाके पढ़ सकते हो क्योंकि ऐसे जो फ्रेंडली वॉर है इतना मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे लगता है। अगर आप लोग फ्रेंडली वॉर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करते हो क्लैश ऑफ क्लैंस तो गाइस मुझे बताना आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में। तो गाइस यहाँ पे मैं छोटा सा यूनिक सा बात डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि अपडेट आना चाहिए तो गाइस प्लीज़ आप लोग डिसाइड करोगे, मुझे नहीं पता मतलब ये जो अपडेट तो आ रहा है बट गाइस आप लोग डिसाइड करोगे ये आना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो गाइस मुझे कमेंट से बता सकते हो कि ये आना चाहिए या नहीं। तो इसी पर आप बात करोगे गाइस अगर आप चीज़ में से यूज़ करें तो गाइस टनल 10 के जितने से ऊपर का जो टनल है उन सारे मतलब टनल लेवल ये जो सीस मशीन है वो यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप सीस मशीन लेके वार में गए तो गाइस अगर आपके बेस के अंदर टाइम मतलब टाइम खत्म ही हुआ है एंड आपने सीस मशीन अभी तक डिप्लॉय नहीं किया तो गाइस आपका जो वार है वो एंड नहीं होगा। तो गाइस ये बहुत ही यूनिक सा बात है गाइस बहुत ही मतलब अजीब सा लगा मुझे सुन के। तो गाइस मुझे नहीं पता ये अपडेट आना चाहिए था या नहीं, तो गाइस आप लोग डिसाइड करोगे कमेंट सेक्शन में। तो गाइस अभी हम सीधे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो वैसे अभी हम बात करें टनल 13 सुपर वैल्कीरी के बारे में। तो वैसे यहाँ पे टनल 13 के लिए बहुत न्यू स्ट्रेटजी आने वाला जो कि सुपर वैल्कीरी के अटैक स्ट्रेटजी होगा। तो वैसे यहाँ पे सुपर वैल्कीरी का जो गेम प्ले है काफ़ी टाइम पहले से सभी को पता है, इसके चलते यहाँ पे सुपर वैल्कीरी है उतना ट्रेंडिंग में नहीं है अभी क्योंकि गाइस मतलब ऑलरेडी लीक्स हो चुका है तो गाइस लोगों का जो इंटरेस्ट है इसमें खत्म हो चुका है, ठीक है। तो वैसे इसका जो गेम प्ले सभी को भी पता है हर कोई क्लैश ऑफ क्लैंस को पता है। सो गाइस ये जो सुपर वैल्कीरी जैसे डाउन हो जाएगा तो गाइस उसके ऊपर ऑटोमेटिकली रेज स्पेल डिप्ले हो जाएगा। सो गाइस मतलब ये जो मर जाते सुपर वैल्कीरी उसके ऊपर तो काम नहीं करेगा जो कि बच जाता है मतलब जो भी लाइफ अलाइव जो ट्रूप्स होता है उसके ऊपर रेजिस्पेल कर जाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत ही यूनिक सा बात है। अगर गाइस मुझे पता है कि ये जो सुपर वैल्कीरी ये मतलब अपडेट जब भी आ जाएगा उसके बाद न्यू स्ट्रेटजी टनल 13 के लिए आ जाएगा। सो इस आप लोगों को क्या लगता है इसके ऊपर प्लीज़ नीचे कमेंट से बता सकते हो। अभी हम बात करेंगे न्यू ट्रूप्स लेवल के बारे में सॉरी न्यू हीरोज लेवल के बारे में। ये जो टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ आई एम श्योर गाइस आप सभी ने इसके ऊपर एक्सपेक्ट किया था कि मैं बात करूंगा। सो गाइस आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे थे गाइस इसी के टॉपिक के लिए मतलब इंतजार कर रहे थे। गाइस आप सभी को मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि ये जो न्यू लेवल है हीरोज की तो वैसे ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वैसे मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किया था भाई रॉयल चैंपियन एंड जो ग्रैंड वॉर की न्यू मतलब लेवल देखने को मिल सकते हैं तो गाइस कब तक मिल सकते हैं एंड न्यू अपडेट में आ सकता है कि नहीं। तो गाइस अभी तक तो क्लैश ऑफ क्लैंस ने हमको लीक्स नहीं दिया एंड स्निक पीक भी नहीं दिया, तो गाइस ये जो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कैंसिल कर दिया जाएगा क्योंकि गाइस रॉयल चैंपियन एंड ग्रैंड वॉर की न्यू लेवल शायद इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि गाइस मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपर्ट एंड मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स मेरे साथ टॉस में थे गाइस उन लोगों को पूछा था तो वो लोग मुझे रिप्लाई करते भाई नहीं आ सकता ये। तो गाइस मैं उसका अकॉर्डिंग टू बोल रहा हूँ बट शाम तक हमको क्या पता इसने भी देखने को मिल सकता है क्लैश ऑफ क्लैंस ऑफिशियल इन्फो मतलब जो न्यूज़ में। तो गाइस मुझे नहीं पता आ सकता है क्योंकि गाइस बहुत लोगों ने इसके ऊपर इग्नोर कर दिया एंड मतलब बोला कि ये नहीं आ सके, तो गाइस मुझे भी लगता है नहीं आ सकता। तो गाइस फिलहाल बताने के लिए इतना ही था एंड गाइस आई एम सी के आप सके जो इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करते हैं वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो गाइस शाम तक मैं एक वीडियो पब्लिश करूँगा तो गाइस बहुत कुछ न्यू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे। तो गाइस बहुत कुछ हमको क्लैश ऑफ क्लैंस न्यू अपडेट बाद देखने को मिल सके जो कि स्निक पीक कवर नहीं किया, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे जो कि न्यू अपडेट में हमको देखने मिल सकता है एंड गाइस ये पॉसिबिलिटी। तो गाइस उसके ऊपर हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप सब वो वीडियो देखोगे एंड गाइस मैं शाम तक अपलोड करने की ट्राई करूंगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप सब वीडियो देखोगे जरूर। तो गाइस अगर आप लोगों ने गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।